नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितिन। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। ये वो मोदी हैं कि जमालपुर के इमली को नाश कर दिया। चार बार हम पद यात्रा किए जमालपुर में। लालू यादव और लोग क्यों नहीं किया आपने पद यात्रा? पप्पू यादव के पप्पू यादव नहीं होते ना। आज से 10 साल पहले यहाँ की फैक्ट्री टोटल समाप्त हो गई। मैंने भेजा है वीडियो, आप सुन लेना। आज से 20 साल पहले तिरंगा या घटना घटी, पप्पू यादव आ गया। पर लालू यादव वहां था, वोट तो आपने लालू और नीतीश को दिया। यहाँ मंत्री रहे नीतीश को जात के नाम थे, आपकी जिंदगी तबाह कर एनआरसी। अभी कोरोना वायरस में पूरा देश जब रो रहा था, आज तक 800 संसद घर से नहीं निकला। आपका एक एमएलए घर से नहीं निकला, नरेंद्र मोदी घर से नहीं निकले, नीतीश घर से। जमालपुर 166 विधानसभा क्षेत्र के जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार महेश यादव के चुनाव प्रचार के जन अधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जमालपुर के फुलका मैदान पहुंचकर जन सेवा को किया नीतीश कुमार नरेंद्र कुमार पर अपनी बातों से किया बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर 166 जमालपुर विधानसभा से जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार महेश यादव प्रचार के लिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जमालपुर थाना क्षेत्र के फुलका मैदान में जन सेवा को किया संबोधित। पप्पू यादव ने कहा कि लॉकडाउन के फंसे प्रवासी मजदूरों को बिहार हमने लाया है और बाढ़ के समय सारी संपत्ति बेच दिया है। 13 लाख लोगों को हमने खाना पहुंचाते रहे। इस आपदा के समय अगर नीतीश कुमार अपने घर से नहीं निकलना में बाढ़ आया। सुशील मोदी इस चोर है, सुशील मोदी का कोई सबसे बड़ा चोर है। हाफ पैंट पहनकर अपनी बीवी के घर छोड़कर भाग निकले और साथ में यह भी कह मुझे फिर मैं शेल्टर हाउस की 23 बच्चियों के साथ दुष्कर्म में बलात्कारी के मंजू वर्मा को JDU से टिकट दिया और शेल्टर हाउस मामले में नीतीश कुमार पर आरोप। CBI जांच होगा। नीतीश कुमार यह वो नीतीश कुमार है जो कि जमालपुर की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुंगेर का सारा खल कारखाना बंद कर दिया है, इससे क्या उम्मीद करते हैं? हर लड़ाई को पप्पू ने लड़ा है। 8 साल पहले मुंगेर के जमालपुर में ले पप्पू ने लड़ाई लड़ा। मुंगेर या जमालपुर में कोई दंगा या फसा पप्पू थे उस वक्त। लालू यादव कहां से अपने लालू और नीतीश को दिया? नीतीश को जात के नाम पर वोट दिया। अभी कोविड के समय कोई भी राजनेता अपने घर से नहीं निकले। अकेला पप्पू यादव 70 लाख 16 लाख करोड़ रुपए खर्च किया। पप्पू यादव ने भाषण के दौरान अपने प्रतिज्ञा पत्रता के समय मंच पर दिखाया आदि बिहार की जनता पप्पू यादव पर भरोसा की। 3 साल के अंदर बिहार को एशिया का नंबर 1 नहीं बनाए तो हम बिहार की राजनीति छोड़ दे। 3 महीना के अंदर जमालपुर की हर बेटी अपनी बहन की मुंगेर 12 बजे रात्रि को कोई अगर गलत काम निगाह में देख लिया तो जमालपुर के अंदर चाहे वो रहेगा या पप। 3 महीना के अंदर सभी माफिया का दला जेल शमशान 6 के अंदर भ्रष्टाचार खत्म होगा। मेरी लड़ाई किसी और से नहीं, मेरी लड़ाई गरीब और बच्चों की जिंदगी तबाह कर देने वालों के खिलाफ है और ये लोग हमसे डर रहे। ये है मेरा हाईकोर्ट का। मैंने हाईकोर्ट में दुनिया में पहला घटना है। हम हाईकोर्ट गए और वहां मैंने एक एफिडेविट डाला। आरक्षण क्या आरक्षण? आरक्षण तो समाप्त हो गया इस देश में। निजी क्षेत्र में सब कुछ चला गया, किसी के बच्चे कुछ नहीं करेंगे। DNA चला गया। मैं यूथ से पूछना चाहता हूँ, पप्पू यादव किसी जात से गठबंधन कर ले या किसी नेता से, या मेरा DNA खराब हो जाए उससे आपकी जिंदगी का क्या मतलब? आपको तो 20,000 रुपया चाहिए ना, आपको तो रोजगार चाहिए ना। पप्पू यादव के DNA से किसी भारत के गरीबों का क्या मतलब? रोजगार का क्या मतलब? आप क्यों पप्पू यादव या हिंदू मुसलमान पर वोट देते हैं? आप अपने जेब को क्यों नहीं देखते? आप अपनी बहन को क्यों नहीं देखते? आप अपनी माँ को क्यों नहीं देखते? क्यों पप्पू यादव को देखते? ये सवाल है पप्पू यादव का आपसे। इसीलिए मैं लड़ने आया हूं। 30 लाख ITI, हर सवाल पप्पू यादव लड़ाई लड़े अकेला। पप्पू यादव UPSC पप्पू GS।
तो 3 साल के अंदर एशिया का नंबर वन बिहार नहीं बनाए तो मैं बिहार राजनीति छोड़ दूंगा। पैदाइश में खत्म नहीं करूंगा। 3 साल 3 महीने के अंदर जमालपुर की हर बेटी अपनी बहन के साथ अकेले मुंगेर जाएगी 12 बजे रात में। कोई देख भी लिया ना तो उस दिन या तो पप्पू रहेगा या तो जिंदा भूल रहेगा, दो ही बात है। 3 महीने के अंदर जमालपुर मुंगेर का जितना बड़ा अपराधी हो या माफिया दलाल या तो शमशान या तो बिहार के बाहर या तो जेल या तो पप्पू यादव बिहार से बाहर। 3 महीना यह है पप्पू यादव का पकड़ लिया। 6 महीना के अंदर भ्रष्टाचार जड़ से मिटा दिया। हर 4 पोल के बाद सीसीटीवी कैमरा, बाजार में मैंडेटरी सीसीटीवी कैमरा, स्कूल में कैमरा, अस्पताल में कैमरा, पप्पू के ऑफिस में कैमरा, मंत्री के ऑफिस में कैमरा, मुख्यमंत्री के ऑफिस में कैमरा, कलेक्टर सीओ के ऑफिस में कैमरा, कर्मचारी के ऑफिस में कैमरा। और जो कैमरा में घूस लेते पकड़ा गया, जो लड़की को छेड़ते दिख गया, जो हिंदू मुसलमान करते दिख गया, जो बैकवर्ड फॉरवर्ड करते दिख गया, जो गोली चलाते दिख गया, उसका नाम दुबई के तरह हम वोटर लिस्ट से हटा देंगे और बिहार की नागरिकता छीन लेंगे। पूरे परिवार को 3 महीना के अंदर बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। हम उसको रहने का राइट नहीं देंगे। मेरी सुविधा हम उससे छीन लेंगे, बिजली पानी आधार कार्ड राशन कार्ड इंटायर चीज। उस पूरे परिवार को मौत से बदतर जिंदगी बना देंगे जो दूसरों की जिंदगी में दखल देती है। यह है पप्पू यादव की लड़की। जो 2 बीघा से नीचे है, जिसके पास गरीब है, उसका हार्ट का इलाज, किडनी का इलाज, कैंसर का इलाज और ब्रेन ट्यूमर का इलाज पप्पू यादव की सरकार फ्री करेगा। किसी को 1 रुपया नहीं लगेगा। बिहार में जो 2 बीघा से नीचे जिसके पास जांच फ्री करेंगे हम, उसी दिन 6,000 रुपया महीना देंगे और अकाउंट में हेलीकॉप्टर जाएगा। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, यदि पप्पू पर बेटे पर भरोसा हो, थोड़ा भी भरोसा हो, तो दोनों हाथ उठा के आप बोलिए भरोसा है। ये पप्पू है, मैं फिर से कहता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, एक बार 3 साल के लिए अपने बेटे को अच्छा। शरीर में पप्पू को इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर कहा कोलैप्स कर जाइएगा, लेकिन हम नहीं मानेंगे। चिमकी बुखार जब लड़ाई हो रही थी, अकेला पप्पू और डॉक्टर कफी, जब शेल्टर हाउस में 23 बच्ची के बलात्कार करके मार दिया नीतीश ने, बलात्कारी मंजू वर्मा जो बच्ची को सप्लाई करता था उस मंजू वर्मा को टिकट दे दिया नीतीश ने। अभी आरोप लगे हैं, सीबीआई इंक्वायरी होगी शेल्टर हाउस। ये वो नीतीश कुमार जिसने विशेष रात विशेष पैकेज आपका जमालपुर की जिंदगी तबाह कर दी, उससे आप उम्मीद करते हैं। मुंगेर की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, उससे आप उम्मीद करते हैं। हर लड़ाई पप्पू ने लड़ा था, सबसे भ्रष्ट दुनिया का सबसे ज्यादा बलात्कारी और अपराधी राज है। आज NCR की रिपोर्ट है, दूसरे बार ये बोला भ्रष्टाचार मिटा देंगे। नीति आयोग ने लिखा वर्ल्ड का सबसे भ्रष्ट शासन है ये। बिना पैसा का कोई एक काम होता है आप लोगों का? बोला 1 महीने तक सारे बस का भाड़ा हम देंगे, सारे बस के मालिक को भाड़ा बाय चेक, ट्रेन का भाड़ा बाय चेक हम देंगे। 18 दिनों हम घर छोड़ दिए, मोटरसाइकिल बुलेट पर ट्रैक्टर पर नाव में अकेला 2 महीना तक पूर्णिया की सारी संपत्ति बेच दिए, लेकिन 56 लाख लोगों को 2 महीने तक खाना पहुंचाते रहे। नीतीश 1 बार घर से नहीं निकला, शायद मर गया बिहारी, कोई बात नहीं है। यदि निकला हो नीतीश तो मैं 8 बार नीतीश छोड़ दूंगा। पटना में बाढ़ आया, यही मोदी, इससे बड़ा चोर कोई नहीं मिलेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा चोर है ये सुशील मोदी। हाफ पैंट पहन के अपनी बीवी के साथ भाग गया, उसके घर में 15 दिनों तक पप्पू खाना पहुंचाया, ये 1 बार भी अपने गांव को खाना नहीं पहुंचाया। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ TV खबरों की पर्दा।